हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड यूनिट। आज बनाएंगे मैगी ब्रेड रोल। मैगी ब्रेड रोल के बनाने के लिए हमने यहाँ पे किया है 2 कप पानी को बॉइल्ड। गरम पानी पे हम यहाँ पे डालेंगे मैगी। मैगी लगभग 2 पैकेट। मैगी आप जैसे बनाते हैं वैसे आपको बनानी है। आप यहाँ पे कोई सी भी मैगी ले सकते हैं, किसी भी फ्लेवर वाली ले सकते हैं, उसे बना लेना है। मैगी हमारी बॉइल्ड हो रही है, इसमें हमने 2 पैकेट मसाले डाल दिए हैं। मैगी में उबाल आ रहा है और मैगी का मसाला हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और मैगी को 2 मिनट में हम बना लेंगे। यह रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। नाश्ते में इवनिंग और मॉर्निंग आप कभी भी बनाइए और खाइए। मैगी हमारी उबल रही है तब तक हम ब्रेड की स्लाइसेस को, यहाँ पे लगभग हम 6 से 8 ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं, इसको हम चाकू की मदद से, नाइफ की मदद से चारों तरफ के कॉर्नर को काट के वाइट वाला भाग यूज़ करेंगे। इसी तरह हम पूरी 8 से 6 स्लाइस को तैयार कर लेंगे। मैगी हमारी पक चुकी है, इसका शेष बचा हुआ पानी को हम जला देंगे या गाढ़ा कर देंगे, क्योंकि हमको सूखी मैगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लगभग 1 मिनट बाद मैगी पूरी तरह से पानी अब्जॉर्व कर लेगी और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी जैसे कि हमको चाहिए। कटे हुए ब्रेड की स्लाइसेस को हम रख लेंगे और कटे हुए कॉर्नर को हम किनारे कर देंगे। ब्रेड की एक एक स्लाइस लेके हम इधर बेलन की सहायता से इसे पतला कर देंगे, बेल देंगे, जिससे हमें रोल करने में सहायता हो। आप फ्रेश ब्रेड का यूज़ करिए, इससे आपको एक सहायता मिलेगी, आपके रोल अच्छे बनेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच आटे को पानी में घोलकर तैयार कर लिया है। ब्रेड स्लाइस को चिपकाने के लिए 1 मीडियम साइज़ का प्याज पतला काट लिया है। मैगी को हमने ठंडा कर लिया है। अब हम ब्रेड की स्लाइस जिसे हमने पतला बेल लिया था एक एक लेंगे और कॉर्नर पे इनके आटे का लेप चिपका देंगे और इस पे 1 से 2 चम्मच मैगी रखेंगे। मैगी रखेंगे और उसके ऊपर, मैगी के ऊपर रखेंगे हम यहाँ पे प्याज की पतली स्लाइसें। प्याज अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप कर दीजिए, बाकी इससे टेस्ट अच्छा आता है। ब्रेड की स्लाइस को नीचे से उठाते हुए हम रोल रोल करते हुए चिपका देंगे और हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे जिससे ये खुले नहीं। और इसी तरह हम बाकी ब्रेड स्लाइस से मैगी रोल तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। यहाँ पे हमने तवा को गरम कर लिया है और इस पे हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं और उसे अच्छी तरह से फैला दिया है। यहाँ पे हम ब्रेड की रोल को, ब्रेड मैगी रोल को रखेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह सिक जाएंगे और इसे टमाटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगता है। इस रेसिपी पे ब्रेड का ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेड ताज़ा रहेंगे तभी अच्छे से रोल बनेंगे, अच्छे दिखेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।